गाइस, इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ दी बिगेस्ट एक्शन साईफाई थ्रिलर से भरपूर फिल्म डेडपूल 3 और साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार धनुष स्टारर फिल्म रॉयन के बीच जमकर क्लेश देखने को मिल रहा है। ये दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल काट रही है और जमकर कलेक्शन भी कर रही है। आपको बता दें, इन दोनों फिल्मों को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 16 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 16वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 17वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म के बारे में। आपको बता दें, ये एक साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें रियान रेनॉल्ड्स, लेस्ली उगम्स, ह्यूग जैकमैन, ब्लैक लिवली, एमा कॉरिन और टफने कीन जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन शॉन लेवी ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 89.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में 27 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 15वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 16वें दिन यानी अपने तीसरे शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3 करोड़ 25 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म डेडपूल 3 का टोटल 16 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 123 करोड़ 20 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट $200 मिलियन या इंडियन रुपीज में कहे तो इस फिल्म का बजट तकरीबन 1675 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म डेडपूल 3 ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 7850 करोड़ रुपए के रेंज में धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 17वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 17वें दिन यानी अपने तीसरे रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही सब बात कर लेते हैं धनुष स्टारर फिल्म रॉयन के बारे में। आपको बता दें, ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें धनुष दुसारा, विजयन, सुदीप किशन, एसजे सूर्या, कालिदास जयराम, अमाला पॉल, नित्या मेनन और अपर्णा बुला मुरली जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन खुद धनुष ने ही किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 13 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 60 करोड़ 10 लाख, दूसरे हफ्ते में 23 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 15वें दिन 1 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 16वें दिन यानी अपने तीसरे शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ 35 लाख रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म रॉयन का टोटल 16 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 87 करोड़ 70 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म रॉयन ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 141 करोड़ 10 लाख रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 17वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 17वें दिन यानी अपने तीसरे रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वैसे गाइस, आपको हॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म डेडपूल 3 और साउथ सिनेमा की फिल्म रॉयन में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चरण मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।